सो बेसिकली हम लोग तो नेपाल जब भी आते हैं तो मैप जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं सर्टेन एरिया का, और नेपाल आने का प्लान जो था वो एकदम सडन था, इस वजह से। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं आपका दोस्त अभिनव बीपू, और भाई साहब मेरे साथ है गोलू, पंकज, रिशु, शानू, संतोष, प्रशांत, तो हम लोग बहुत लोग हैं। और जो आज का पंकज यही इन्हीं का करमान था आज का बाथरूम वाला, मेरा नहीं हो सकता आज में 500 रुपये का पेनाल्टी दिलवा रहा है। मेरा चश्मा भी टेढ़ा हो गया, चश्मा खोल देता है, टेढ़ा हो गया है। तो बता दें आपको कि आज हम लोग आए हैं नेपाल। नेपाल का एक ऐसा कांड है क्योंकि यहाँ पे हम लोग आए थे अचानक से, मतलब बहुत अचानक से, और हम लोग जो है ना वो यहाँ भी 1500 रुपये का बाथरूम यूज़ किया, मतलब वन टाइम बाथरूम का यूज़ किया, उसका 1500 रुपये चार्ज किया है। वो स्टोरी क्या है आप उसको देख के टू बी कंटिन्यू कीजिए, फिर आते हैं मिलते हैं ब्लॉग में। वो स्टोरी देख के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, क्योंकि बहुत बड़ा, मतलब क्या बताएं आपको, बहुत घिनौना वाला काम है। तो देख लीजिए, अभी पता करते हैं कि हम लोग के ग्रुप में कोई था या गेट खुला हुआ था, कोई अननोन को भेजा। आपको बता दें कि अचानक से एग्ज़ाम था 24 को, और हम लोग जो है वो लेट नाइट नेपाल पहुंचे थे। नेपाल में एक इशू हो गया है, अभी तक ब्लॉग तो कंटिन्यू नहीं किए थे, बट आपको बता दें कि इशू क्या है। सो अभी हम लोग हैं यहाँ पे, ये कौन सा होटल है, हेती होटल है जो कि धरान में है, हेती, उसका कांटेक्ट डिटेल दे देंगे, पूरा 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 स्टोरी, पूरा स्टोरी, पूरा स्टोरी। सो बेसिकली बता दे आपको, सुनिए सुनिए सुनिए, बेसिकली बता दे, एक मिनट एक्चुअली सुनिए, बिहार से लोग आते हैं यहाँ पे पीने की वजह से आते हैं, ठीक है, नशे में होंगे, पिए हुए होंगे, बहुत सारे लोग हम लोग के साथ आए थे, और कुछ लोग हैं जो रूरल एरिया से हैं जो नहीं जानते हैं सब चीज़, कभी लाइफ में देखे नहीं, लाइफ में कुछ देखे नहीं है, तो उन लोग के लिए दिखाते हैं। अब वॉशरूम जो है वो ये वेस्टर्न टॉयलेट है हम लोग के यहाँ, इसकी वजह से ये गंदा कर दिया है, कौन किया है कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आई डोंट नो। और रूम भी जो था वो खुला हुआ था, मतलब देख सकते हैं बिखरा पड़ा हुआ है। स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कि हम लोग बहुत लोग आए थे अचानक से, सडन प्लान था। शानू था मेरे साथ, भाई है संतोष था मेरे साथ, मामा जी भी हैं, साथ ही साथ एक और गाड़ी था उसमें हम लोग भी थे। तो गाड़ी में टू बी कंटिन्यू करते हैं क्या मोरल ऑफ द स्टोरी था और आज का कांड क्या था, क्योंकि हम फ़ोन से ब्लॉग कर रहे हैं, ब्लॉगिंग का कोई चांस नहीं था, बट अचानक जो प्लान हुआ इस वजह से आ गए हम। गोलू और प्रशांत इस गाड़ी में है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कि वो जो गंदा हुआ था उसका जो पेनल्टी था वो काफ़ी हाई था, और बेसिकली हम लोग जब से धरान आए हुए हैं उस समय से देखते हैं हर एक जगह जो है लूटमारी है, जैसे इंडियन है तो नो मर्सी, नो इशू, आपसे लड़ाई झगड़ा करेंगे, और पुलिस का भी अगर आप बात कीजिएगा तो फिर मैनेज करने लगेंगे, जैसे कि स्टार्टिंग बोल रहे थे पैसे से मैनेज नहीं करेंगे, जैसे हम ब्लॉग स्टार्ट किए उनकी जो है वो समझ में आ गया कि यहाँ पंगा है, तो वो पैसे से मैनेज किए, पैसे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई मर्सी नहीं, मतलब एक होता है ना कि वॉशरूम को साफ़ करने के लिए कहीं भी 1500 रुपये बहुत ज़्यादा है, और हम लोग से तो समझिए कि डबल ले लिया गया है, तो ये एक सबसे बड़ा डिमेरिट्स था धरान का। अभी हम लोग निकलते हैं, बताएंगे अभी क्या मोरल स्टोरी है, बाद में कहीं ढाबा पे रुक के बहुत जोर का भूख लगा है खाना खाने निकल। सो अपना प्लान अचानक था, इस वजह से कैमरा वैमरा कोई सेटअप नहीं था, मतलब पता भी नहीं था हमको खुद कि हम यहाँ आने वाले हैं, अचानक सडन रातों रात आए पूर्णिया, पूर्णिया से आए सिमराही, सिमराही से भीमनगर होते हुए नेपाल में एंट्री कर गया है, एंट्री कर गया है नेपाल में, तो यहाँ पे जो एंट्री किए थे वो अचानक था, और लेट नाइट थे, थके हुए थे तो ब्लॉग तो शूट कर नहीं पाए थे, बट जैसे कांड हुआ ना जैसे कांड हुआ वैसे हम बोल देंगे वीडियो शूट करना ज़रूरी है, खांसी भी हो गया है। तो अभी हम लोग यहाँ रुके हैं नाश्ता करने के लिए, बेसिकली ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर अभी निकलेंगे बैक टू होम घर। तो अभी धरान एक जगह है जो कि काफ़ी फेमस प्लेस है, अगर भीमनगर साइड से आते हैं तो धरान सबसे नज़दीक पड़ता है, जो एक छोटा कस्बा है, एक छोटा टाउन है, और यहाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा लूटमारी है, चोरी क्या है ना हर एक जगह, हर एक जगह। सो बेसिकली हम लोग तो नेपाल जब भी आते हैं तो मैप जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं सर्टेन एरिया का, और नेपाल आने का प्लान जो था वो एकदम सडन था, इस वजह से आपको बता नहीं पाइए, और उनका जो है वो बार बार 10% खाने का टैक्स, ये सब जो टैक्स है अनवांटेड टैक्स रिटर्न में ले रहे हैं, मतलब उनका मैनुअल है और हाथ से लिख के दे रहे हैं, वैसा कुछ जेन्युइन स्लिप भी नहीं है, और हम लोग को समझा रहे हैं कि ये इंडिया नहीं है, मतलब एक्चुअली क्या होता है ना कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि बिहार में जब से दारूबंदी हुआ है लोग दारू पीने अक्सर नेपाल, झारखंड, बिहार, यूपी, यही सब साइड जाते हैं, तो वहाँ जाते हैं एंजॉय करने, अगर सर्टेन मानिए कोई दारू पी लिया या कुछ हो गया। हम लोग का रूम क्या था, तीन रूम था, तो हम लोग बेसिकली दो ही रूम में शिफ्ट हो गए थे क्योंकि काफ़ी फ्रेंड लोग थे, और वो रूम एक्चुअली खुला हुआ था रात भर, और उसमें दो लोग सोया हुआ भी था,
तो ये एक समस्या था, प्रॉब्लम था जो कि देखे। और धरान में सबसे बड़ा चीज़ है कि हर एक जगह नेपाल जहाँ भी है, पूरा नेपाल, अगर आप लोग थोड़ा सा भी इधर उधर करते हैं तो पैसा लूटने के लिए तैयार है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको जो मन है सो कीजिए, आपको कभी मना नहीं करेगा, लेकिन आउटपुट का जो रिजल्ट रहेगा उसमें आपसे पैसा लूट लेगा। तो ये सब चीज़ इधर ज़्यादा है। अगर कोई भी लोग आ रहे हैं 25 दिसंबर क्रिसमस या न्यू ईयर में पार्टी सेलिब्रेट करने, पोखरा काठमांडू कहीं भी जाइए, पोखरा में क्या है ना कि थोड़ा लाइफस्टाइल जो है वो अलग लेवल का है, मतलब आपको ज़्यादा रोक टोक नहीं है, ये सब इशू नहीं है पोखरा में। बट और सब जगह तो पूरे नेपाल में बहुत जगह देखें, पोखरा में भी है, अगर लड़की वड़की के चक्कर में है तो आप लूटने वाले हैं, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, आउटपुट का रिजल्ट जो है वो कुछ नहीं होगा। बेसिकली नेपाल यही है और हम प्रेफर नहीं करते हैं कि नेपाल आइए घूमने। हाँ, आपको घूमना है तो बस घूमिए, बाकी दूसरे किसी चीज़ से ज़्यादा मतलब जो है वो नहीं रखना होगा, तो आपके लिए बेस्ट पार्ट है। गाड़ी भी चला रहे हैं, मैप भी अपना ऑन है और हम लोग जो है साथ में राइड करते हुए निकलेंगे घर। अगर बात करें तो यहाँ पे अभी धरान में एक बहुत सुंदर सा मॉल दिखा है यहाँ पे, और आज है क्रिसमस तो हम लोग यहाँ भी आने वाले हैं, कुछ देखते हैं क्या सीन है, क्या सेलिब्रेशन है। अपना कार यहाँ लग गया है, पूरा भाई लोग जो है वो रेडी है, तो अभी लोग चलते हैं मस्त आराम से मॉल में और देखते हैं कैसा है मॉल, कैसा है धरान और क्या कुछ वो क्वाइटन हम लोग के बैकग्राउंड में देख सकते हैं। तो ये तो बच्चे लोग के लिए काफ़ी अच्छा है टॉय ट्रेन, बट हम लोग के लिए क्या है ये देखने वाला है। और चलते हैं पूरा धरान का जो ये मॉल है इसको घुमाते हैं और दिखाते हैं आपको बेसिकली कि किस टाइप का एक्सपीरियंस फील होता है, क्योंकि इससे पहले हम नेपाल में कोई मॉल विजिट नहीं किया। क्रिसमस सेलिब्रेशन चल रहा है, आज है क्रिसमस तो यहाँ चलेगा पूरा क्रिसमस सेलिब्रेशन, और इस साइड में है बेसिकली एंट्री, तो हम लोग एंट्री करते हैं मॉल विजिट करते हैं। ये लोग जो है वो दोनों एकदम मस्त फोटोशूट कराने पर लगे हुए हैं। सो एक्चुअली क्या है कि आज है मैरी क्रिसमस और सब लोग जो है वो सेलिब्रेट करने यहाँ गेट टुगेदर हुए हैं मैरी क्रिसमस सेलिब्रेट करने। आज है 25 दिसंबर, सो आज हम लोग का जो प्लान है वो बेसिकली है कि बॉर्डर क्रॉस कर जाना है, पट्टा रीच कर जाना है। और आज जो मॉल में ये रश देख रहे हैं ना, ये क्रिसमस की वजह से ये रश है, नहीं तो नॉर्मल डेज में इतना रश नहीं रहता होगा। और क्रिसमस वीक स्टार्ट हो गया है तो आपको बता सकते हैं कि अभी बैक टू बैक जो है वो पार्टी होगा और न्यू ईयर तक बहुत सारा, मतलब क्रिसमस से न्यू ईयर तक का जो पार्टी है ना वो सबसे ज़्यादा नए ये नेपाल साइड में सेलिब्रेट किया जाता है। तो अभी उन लोग का गाड़ी यहाँ पार्क है, हम लोग चलते हैं गाड़ी के पास, अपना बाइक गाड़ी स्टार्ट करते हैं। ये देखो पोलो नेपाली नंबर और वो पोलो बिहारी नंबर। नेपाल का एंट्रेंस एरिया ऐसा है भाई साहब, धरान का जो मॉल है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, काफ़ी बच्चा लोग है। धरान में जो है ना वो मॉल ये पहला है, क्योंकि यहाँ पर रश देखने